ये सिर्फ मसला हम लोगों के रोजगार का नहीं है, ये मसला इस बात का है कि तमाम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर हमारे जाने के बाद एक भी शिक्षक नहीं रह जाएगा। कि हमारी चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार के साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी इसमें फंडिंग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया, आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। जी हाँ, वो शिक्षक जो लगातार बच्चों के साथ मेहनत करता है, बच्चों के साथ पूरा दिन लगा रहता है कि उसके पढ़ाए गए बच्चे जो हैं एक दिन वो मुकाम हासिल करें जो वो मुकाम हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या हो जब वो शिक्षक सड़क पर रहकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन 1500 शिक्षकों की जिनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन अब उनकी नियुक्ति जो है वो उनसे छीनी जा रही है। तो आज मैं बात कर रही हूँ उन टीचर्स की जो IIT NIT से पास आउट हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी है कि उनकी जो चर्चा है वो देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है, लेकिन आज वो अपनी ज्वाइनिंग को कंटिन्यू करने को लेकर सड़क पर मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी व्यथा क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि होली का त्यौहार भी उन्होंने अपनों के साथ नहीं मनाया, उन्होंने तवज्जो दी अपने प्रोफेशन को लेकर, अपनी जो शिक्षक नीति है उसको लेकर, कि एक शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए जोर आजमाइश करना, अपने स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ना और अपनी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आवाज़ उठाना। आज हम बात करेंगे उन्हीं शिक्षक से, एक शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। देखिए, लगातार हम आपको कवर कर रहे हैं और आपकी व्यथा जो है वो हमने जानी है। इतने सालों से आप उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे जिन्होंने सपना देखा था आपकी तरह बनने का, आप उनके लिए आइडल बने हैं, आप उनके लिए, बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी आपकी तरह वो बने, और जिस तरह से आप इतने अच्छे कॉलेज से पास आउट है, देखिए सपना होता है IIT में NIT में पास आउट करना, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेना बहुत बड़ी बात है, और आपने पास आउट होकर ऐसे स्टूडेंट्स को आप निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैं यही कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज उत्पन्न हुई है, इसकी अपेक्षा नहीं थी इस सरकार से, क्योंकि इस सरकार के कार्यकाल में ही एक विजनरी दृष्टिकोण के तहत पूरे देश भर में सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के तहत यंग डायनेमिक और एनर्जेटिक जो टीचिंग फोर्स है उसका सिलेक्शन किया गया था, ऐसा सरकार हमें बोलती है, और उसकी एक नियमावली बनाई गई थी कि भाई शुरुआत के 3 वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा ये शिक्षक हैं जो हैं इनको फंड किया जाएगा, इनकी सैलरी उसी से बनेगी, और उसके बाद जो राज्य हैं और इनका जो परफॉर्मेंस है उसको रेगुलर इंटरवल पर हम लोग इवेल्युएट करेंगे, और अगर वो बहुत हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप आता है तो इनकी सेवाओं के लिए हम लोग जो है एक राज्य सरकार केंद्र सरकार साथ मिलकर इनकी सेवाओं को दीर्घकालिक रूप से कैसे चलाया जा सकता है इस पर विचार करके एक निर्णय पर पहुँचेंगी। लेकिन मुझे ये बताते हुए आपको बहुत दुख हो रहा है कि आपके माध्यम से पिछले आठ दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, होली का त्यौहार भी हमने अपने अपने होटलों में ही मनाया हुआ है, जहाँ कहीं भी हम जिस भी स्थिति में रह रहे हैं, और हमारी जो निवेदन था वो शुरुआत में हमने जो शिक्षा मंत्रालय है वहाँ तक पहुँचाया था, जहाँ हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो सर्विस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमने उचित दिशा में कदम उठाए हैं, क्योंकि उनको उठाना उनकी ज़रूरी और मजबूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ मसला हम लोगों के रोज़गार का नहीं है, ये मसला इस बात का है कि तमाम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर हमारे जाने के बाद एक भी शिक्षक नहीं रह जाएगा। तो जब शिक्षक नहीं है तो क्या है शिक्षा नीति, क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो निश्चित रूप से जो हमारे लिए कदम उठाए जाने और हमारे लिए इसके लिए लिखित तौर पर MOU भी साइन हुआ था राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, तो उस पर अमल होना था, कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप है, चीज़ों को क्रियान्वित करने में जो देरी हो रही है वो भी हमारे लिए बहुत दुखद है, और ऐसे समय पे होली का त्यौहार भी आ पड़ा है जिसमें हम लोग, हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। 8 दिनों में हमारा जो मुख्य प्रयास था वो यही था कि हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल सकें, उनको अपनी समस्या से अवगत करा सकें, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि वो अभी तक हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं, उनके मंत्रालय से हमें निर्देश मिलते रहे लेकिन हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। आप लोगों ने ये कहा था कि ये हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम यहाँ पर कोई धरना नहीं दे रहे हैं, हमारी सिर्फ प्रार्थना है और हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात सुने, जो सरकार है हमारी बात सुने। तो कि इन 8 दिनों में क्या उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला है? लगता है कि सरकार बात सुन लेगी और जो लेटर्स की आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो वो पूरी होगी? जी देखिए, धरना ये इसलिए नहीं है क्योंकि धरना देने की स्थिति में हमें आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए नियमावली पहले से बनाई गई है, उस नियमावली का क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है, उसको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, तो उस नियमावली में पहले से ही लिखा है कि आपके लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर एक नीति बनाएंगे जिसके तहत आपकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाएगा, तो उस नियमावली को याद दिलाने की आवश्यकता हमको पड़ रही है, ये भी दुखद बात है अपने आप में। और जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है कि पिछले 8 दिनों में क्या उन्नति हुई है इस दिशा में,
तो उन्नति जो हुई है वो यही है कि हमें सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे जो इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनके उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस विषय पे विचार करते हुए आपकी सेवाओं को बहाल करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन जो हम एपेक्स बॉडी हैं यानी कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, हमारा कंसर्न था कि हम देश के विभिन्न 12 राज्यों यूनियन टेरिटरी आप समझ लीजिए जम्मू कश्मीर से लेके अंडमान निकोबार तक के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो होली की छुट्टियों में भी यहीं रहे, विषम परिस्थितियों में हम किसी तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। और हम इस चीज़ का भी ख्याल रख रहे हैं कि हमारे यहाँ रहने की वजह से जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो पठन पाठन का कार्य है वो बाधित ना हो, इसलिए हम पूरी संख्या में भी नहीं आए हुए हैं। और हमारा जो निवेदन था वो यही था कि हम सरकार में बैठी हुई सबसे एपेक्स बॉडी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे ताकि रोज़ रोज़ ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। लेकिन माननीय मंत्री जी अभी तक हमसे मिल नहीं पाए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी हमें 5-10 मिनट के लिए मिलने का समय प्रदान करें। देखिए, इन्होंने एक बात कही जो इन्होंने कहा कि यंग और डायनामिक ऐसे टीचर्स चाहिए ताकि वो अपने जैसे दूसरे बच्चे तैयार कर सके। अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्हें आप रूरल एरियाज मतलब जहां पर कोई शिक्षक नहीं पहुंच पाया, आप लोग वहां गए, उन बच्चों को पढ़ाया और इस काबिल किया कि आज वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, वहाँ पर आप लोगों की छवि इस स्तर पर है कि स्टूडेंट्स जो हैं ये चाहते हैं, और मेरे ख्याल से अब भी वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तमाम माध्यम से, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। अभी इन्होंने कहा, जैसे कि अभी इन शिक्षक से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, क्या उम्मीद है मुलाकात होगी? जी मैडम, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं एवं हमारी बात को सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने बतलाया कि वहाँ पर सारे बच्चे जो कि हमसे लाभान्वित हो रहे हैं, कुल 12 लो इनकम स्टेट्स में हम सभी लोग जाकर शिक्षा दे रहे हैं, और अगर कॉलेजेस का लोकेशन देखा जाए तो वो भी कहीं ना कहीं रिमोट लोकेशंस पर ही अधिकतर कॉलेजेस बने हुए हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी बने हुए थे जहां पर कि प्रॉपर बिल्डिंग्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहां जाकर, चूँकि हमारी पढ़ाई IIT और NIT से थी तो हमें उस स्तर की शिक्षा दी गई थी कि हम लोग कहीं ना कहीं हर तरीके के छात्रों को वहाँ पर अच्छी शिक्षा दे सके। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ वो कॉलेज अंडर स्पेशल कंपोनेंट कॉलेज है, तो यह मेरे लिए बहुत अधिक खुशी का विषय है कि मैं वो स्पेशल कंपोनेंट के कॉलेज में भी 3 साल जाकर वहाँ पर पढ़ाया हूँ और आगे भी मैं अपनी सेवाएं वहाँ पर देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो आपने अभी बतलाया था कि हमारी चर्चा भारत ही नहीं पूरे विश्व में है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो टेक्यूब 3 प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार के साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी इसमें फंडिंग कर रही है, और हम लोगों की कई गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के कई गवर्नमेंट ऑफिशियल से मुलाकात हुई है, हमारी वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, वहाँ पर भी हम लोगों ने सारे मैसेजेस को कन्वे किया है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी ये इन सारी बातों को वहाँ पर बतलाया गया है। वर्ल्ड बैंक के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्विटर के माध्यम से भी उन्होंने हम सभी टेक्यूब 3 फैकल्टी मेंबर्स के लिए कई बार अपना कंसर्न जताया है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो वर्ल्ड बैंक हमें फंडिंग करी है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक के लोग भी ये चाहते हैं कि जो हमें ट्रेनिंग पर खर्च किया गया है, जो 3 साल में हमने एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भारत सरकार ऐसे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स का यूटिलाइज करें, उनको आगे जाने का मौका ना दें, यहाँ से निकलने का मौका ना दें। जहाँ एक और बात यहाँ पूछना चाहूँगी, देखिए यहाँ तो हम आपकी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप किस प्रॉब्लम में हैं और यहाँ पर क्यों बैठे हैं, ये सब बातें तो हमने बता दी हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर एक शिक्षक की, आप जैसे शिक्षकों की, जितने 1500 शिक्षक हैं इनकी कहानी क्या है? मतलब जब आप रूरल एरियाज में जाते हैं आपको किस किस स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपसे मोटिवेशन मिलेगा दूसरे लोगों को और उन स्टूडेंट्स को, ताकि आप लोगों की जो की प्रेरणा उन्हें मिले और उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ें, आपकी तरह बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो जनरेशन है आने वाली वो आपकी तरह बने ताकि हम टेक्नोलॉजी फील्ड में आगे बढ़ें और जिस तरह से आप लोगों ने नाम रोशन किया है देश विदेशों में वैसे वो भी करें। जी मैडम, जहाँ तक रिमोट लोकेशंस पर कॉलेज की बात है तो वहाँ पर जो हम सभी टेक्यूब 3 फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पर पहुँचे तो कई जगह तो ना रहने का कोई जगह था कॉलेजेज में ना कुछ था, कुछ लोगों ने पुराने हॉस्टल्स में बच्चों के साथ दिन गुजारे और अभी भी दिन गुजार रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर कि दिन भर कुछ खाने का नहीं रहता है, लेकिन उन सभी चीज़ों को हम लोग कभी भी किसी चीज़ों पर अमल ना करते हुए, उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है कि वहाँ पर जब क्लासेस की टाइमिंग दी जाती है तो 9 बजे से बच्चे वहाँ पर उपस्थित होते हैं और हम लोग क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं। मेरा घर बिहार है, बिहार में पूरे 7 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज में 205 टेक्यूब 3 फैकल्टी मेम्बर्स को भेजा गया था।
जब टेक्यूब 3 फैकल्टी मेंबर्स के जाने से पहले वहाँ पर एक या दो शिक्षक हुआ करते थे हर कॉलेजेज में अस्थाई शिक्षक, तो वहाँ की ये स्थिति थी कि वहाँ पर बच्चों की क्लासेज नहीं चलती थी और बच्चे उस समय अपने अपने कॉलेजेज में नहीं रहकर पटना में रूम लेकर वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई किया करते थे और वो सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब टेक्यूब 3 फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ जहाँ की क्लासरूम्स में ताले पड़े हुए थे, वहाँ पर क्लासरूम्स की स्थिति ठीक नहीं थी, वहाँ पर लेबोरेटरीज में ताले लगे हुए थे, उन सभी कंडीशंस के बावजूद जब टेक्यूब 3 फैकल्टी मेंबर्स वहाँ पर पहुँचे और जब उन्होंने मार्कर और चौक लेकर क्लासेज लेना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं सारे बच्चों में ये संदेश गया था कि IIT और NIT से लोग हमारे बीच आ चुके हैं, इसलिए अब जो भी कुछ कल तक था उसे भूलकर हम लोग फिर से वापस कॉलेज आएँ और वहाँ पर पढ़ाई करें। उसके बाद अभी की स्थिति ये बनी हुई है कि तमाम कॉलेजेज में सारे बच्चे कॉलेज कैंपस में रह रहे हैं, वहाँ पर कॉलेज के आसपास रूम लेकर रह रहे हैं और लोग हर दिन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, उनको असाइनमेंट्स दिया जाता है, उनको गेट ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो ऐसे कॉलेजेज जहाँ पर हम लोग गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेज ऐसे हैं जिसमें प्लेसमेंट नाम मात्र का कुछ नहीं था, जहाँ पर कि इंडस्ट्रीज से कोई इंटरेक्शन नहीं होता था। हम लोग उन सभी रिमोट लोकेशंस पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पर्संस को बुलाए, वहाँ पर प्लेसमेंट्स करवाया गया, लोगों को बहुत तरह की ट्रेनिंग कराई गई। यानी ये कहा जा सकता है कि एक नई शुरुआत का आगाज जो है वो आप लोगों ने ही करवाया है। जी, इसी विषय में जैसा मैडम ने पूछा, मैं और विस्तार से इस पे एक आध पॉइंट रखना चाहूँगा। देखिए, इस किस्म की जो योजना है इसको प्रयोग में लाने की, अमल में लाने की जो आवश्यकता आ पड़ी है, इसके बैकग्राउंड को हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस योजना का जो नाम है TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, आप टेक्निकल एजुकेशन में हमेशा IIT और NIT का ही नाम सुनते हैं, लेकिन अगर हम राज्य सरकार के जो सरकारी अभियंत्रण संस्थान हैं उनकी चर्चा करें तो वहाँ पर स्थिति बहुत ही दयनीय है और उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। राज्य सरकार के पास फंड का अभाव या एक बेहतर मैनेजमेंट का अभाव। तो पहली बार ये योजना 2003 में इस पर बहुत विस्तार से विचार हुआ, फंड की कमी होने के कारण वर्ल्ड बैंक ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया और ये योजना अमल में लाई गई थी। और उस समय ये योजना बनी थी कि 25 वर्ष तक इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम लोग धीरे धीरे करके चलाएंगे और एक इस मुद्रा में आ जाएंगे कि हमारा देश खुद अपनी तकनीकी शिक्षा का जो खर्चा है और जो ट्रेनिंग है सारा सब कुछ वहन करने में स्वयं सक्षम होगा, आत्मनिर्भर होगा, जिस आत्मनिर्भरता की बात माननीय मोदी जी करते हैं। और उसी योजना के तृतीय फेज में हम लोग हैं, जिसमें ये माना गया कि चूंकि बिना शिक्षक के कोई शिक्षा नहीं है, इसलिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे शिक्षकों का चयन करके उनको सुदूर राज्यों के सरकारी अभियंत्रण संस्थानों में भेजा गया। अभी स्थिति ये थी हमारे जाने के बाद कि छात्रों में जो मैसेज गया है उनको सीरियसली ये लगा है, वो सब चूँकि मोदी जी का जो विज़न है उससे आज के समाज में कोई ऐसा है नहीं जो अवगत ना हो, उनको इस चीज़ से ये ख्याल आया कि दिल्ली से हमारे लिए केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने कुछ ऐसे लोगों को चयन करके भेजा है जिनकी क्वालिटी जो है संस्थान की वो बढ़ाने के लिए आए गए। और हम पे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि किसी जगह पे संस्थान तो हो सकते हैं लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको यहाँ की गुणवत्ता सुधारनी है तो उसके लिए आपको जो प्रयास करने पड़ेंगे वो सामान्य प्रयास नहीं होते। और हमने रेगुलर क्लासरूम टीचिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो अभी तक वहाँ सोचे ही नहीं गए थे। सवाल मेरा ये है कि ये जो TEQIP लगातार हम सुन रहे हैं और आपके सहयोगी जो बैठे हुए हैं वो भी ये बैनर्स और पोस्टर्स लेके बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए हम हर किसी को नहीं समझा सकते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ पाते, आप क्या समझा पाएंगे इस चीज़ को? समझा पाएंगे, देखिए ये एक क्वालिटी जो प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, इस प्रोग्राम का नाम है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जो है तकनीकी शिक्षा में जो है गुणवत्ता उसकी सुधार करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इसमें फंड और केंद्र सरकार ने डेवलप किए। 2003 में ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ इस कार्यक्रम की, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो राज्य सरकार के सरकारी संस्थान हैं उसमें जो गुणवत्ता की कमी है, और वहाँ पर एक समय ऐसा था कि वहाँ पर कोई आधारभूत जो ढांचा था वही नहीं था, तो इसको कई फेजेस में प्लान किया गया कि 25 वर्ष तक हम पहले नियमावली बनाएंगे, एक फेज़ लेके आएंगे और फिर उसको लागू करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई, और उसमें जो प्रोग्रेस हुई और उसकी जो आउटकम्स रहे उसके आधार पर फिर हम अगला फेज़ जो है उसको ड्राफ्ट करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरह से हम 25 वर्ष तक जब कार्य करते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ पाएगी कि हमारे जो सरकारी संस्थान हैं वो विश्व स्तरीय लेवल को अटेन कर सकेंगे, या एटलीस्ट जो न्यूनतम रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी का रेशियो जो है वो वहाँ पर विकसित हो पाएगा। लेकिन अभी जब तीसरे फेज़ में हम आ गए हैं, तब जिस फेज़ में कार्यरत हैं वो टेक्यूब का तीसरा फेज़ है, जो कि 2017 लास्ट में या 2018 में प्रारंभ हुआ,
जिसकी जो विज़न था उसका वो ये था कि इसमें शिक्षकों की नियुक्ति करने के साथ साथ एक फंड डेवलप किया गया था। उस फंड से बहुत सारा जो अपलिफ्टमेंट है आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि उसी फंड से आप पीएचडी कर सकते हैं, उसी फंड से आप जो है लेबोरेटरीज़ को डेवलप करना है, उसी फंड से जो विद्यालय की और व्यवस्थाएं जैसे लाइब्रेरी का डेवलपमेंट, इंटरनेट फैसिलिटीज़ जो और जो मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी लैब जो है डेवलप करना, इन सारी चीज़ों को करने के लिए जो वहाँ पर वर्कफोर्स होना चाहिए था राज्य सरकार में वो नहीं था, तो इन सब चीजों को करने के लिए शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई। और यानी ये सारी चीजें जो है सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता सुधारने के लिए की गई है, ताकि आप लोग जाएं रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और गुणवत्ता जो है इन सब चीजों की वो सुधरे। कुछ और भी शिक्षक जी, क्योंकि गुणवत्ता सुधार जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं आ पड़ी है कि गुणवत्ता सुधार जो है पूरा हो गया, अब गुणवत्ता सुधारने को कुछ रह नहीं गया। अभी गुणवत्ता सुधार में एक जो न्यूनतम स्तर था वो 3 साल में प्राप्त हुआ है, लेकिन गुणवत्ता को सुधारना एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी कहा है। और नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जिसमें देश के जो महान शिक्षाविद हैं उनकी जो मीटिंग होती है, उसमें उन्होंने एक सुर में ये बात कही है कि अगर हमें इसमें जो डिज़ायर्ड लेवल है उसको और इसी तरह से अचीव करते रहना है तो इन शिक्षकों को वहाँ पर हमें इनसे रेगुलर सेवाएँ लेना पड़ेगा, अन्यथा ये संभव नहीं हो पाएगा।